हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेक ओवर। सो गाइस, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ क्रेलॉन सुप्रा पैलेट से मेकअप। आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, प्लस मेरे को एंगेजमेंट मेकअप लुक के लिए भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। सो आप ये लुक इजीली एंगेजमेंट में क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टर्नआउट हुआ है गाइस। आप बिफोर एंड आफ्टर देखिएगा ब्राइड का, तो आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। और ये मैंने एज ए मॉडल इन्हें चूज़ किया है, इनकी रियल एंगेजमेंट नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूँ। सो सबसे पहले हम क्लिनजिंग कर रहेंगे एंड देन टोनर अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा कॉटन में लेके क्लिनजिंग कर सकते हैं आप, देन टोनर अप्लाई। देन मैक की यूज़ कर रही हूँ, आप इसे प्रेप एंड प्राइम फिक्सर बोल सकते हो। ये एज ए प्राइमर बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत अच्छा हाइड्रेट भी करता है फेस को। सो ये है क्रेलॉन की सुप्रा कलर की पैलेट, जो कि 6 शेड में अवेलेबल है। सो सबसे पहले हम आईलिड पे अप्लाई करेंगे कंसीलर को, या फिर फाउंडेशन भी इसे बोल सकते हो। सो हम यूज़ करेंगे FS28 और FS29, क्योंकि इनकी जो आईलिड की कलर है ना, उससे हमें 2 शेड लाइट यूज़ करना है। सो आई मेकअप करने से पहले याद रखें, आपको हमेशा कंसीलर यूज़ करना होता है अपनी आईज़ पे। और मैं जिन पे आपको मेकअप बता रही हूँ आज, तो इनका नाम मेहंदी, इनका इंस्टाग्राम पेज है मेहंदी का, ये बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है गाइस। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो मेहंदी के लिए और इनकी पिक देख सकते हो। मैं ना आपको लिंक दे दूँगी इनके इंस्टाग्राम का, बहुत बहुत अच्छा लगाती है। और आप मुझे रिक्वेस्ट भी करोगे ना कि किस तरह मैम मेहंदी की भी वीडियो दिखाए, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। सो गाइस, अप्लाई करने के बाद मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एक ब्रश की मदद से। आप किसी ब्रश की मदद से कर सकते हैं। देन मेकअप लोशन के बनाना पाउडर मैंने लिया है, ये बनाना पाउडर है, उससे सेट कर रही हूँ कंसीलर को, ताकि कोई भी क्रीज ना आए, फाइन लाइंस में जमा ना हो जाए आपका कंसीलर। सो मेक श्योर कंसीलर को हमेशा ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग एंड सेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, रोज़ गोल्ड आई शेडो पैलेट। ये आपको नायका पे ओरिजिनल मिल जाएगा, ये भी ओरिजिनल पैलेट है। सबसे पहले हम ट्रांजिशन कलर को अप्लाई करेंगे। सो पिंक शेड, ये दोनों शेड आपको दिख रहा है, एक बिग ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लिया है एंड क्रीज पे बफ करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। आईज़ बहुत छोटी हैं इनकी, बड़ी आईज़ नहीं है, तो जिनकी भी छोटी आई होती है ना गाइस, थोड़ा सा क्रीज अबव आपको कलर को मतलब ब्लेंड करना होगा। जैसे ब्लेंड करते करते ऑटोमेटिक थोड़ा ऊपर आ ही जाता है, इस तरह से देखिए, क्योंकि ये आईज़ थोड़ी हुडेड होती है प्लस बहुत छोटी होती है। सो ये सब आपको समझना होगा। थोड़ा सा क्या कीजिए, आउटर कॉर्नर की और एक्सीड कीजिएगा ब्लेंडिंग करते वक्त। सो गाइस, ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हमेशा बोला है आई मेकअप में ब्लेंडिंग का ही गेम होता है। आपका गेम चेंज होता है ना, वो आई मेकअप ही करता है और ब्लेंडिंग करता है। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी, इतना अच्छा आपका आई मेकअप होगा। और ये जो ब्रशेस मैं यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल अमेजोन से मैंने परचेज़ की थी, इलेक्ट्रोमैनिया ब्रांड के। मुझे लिंक इसका नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है। और क्रेलॉन के प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन कोलकाता में मिल जाएगी। सो मैं एक शॉप का आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो। देन ये मरून शेड आपको दिख रहा है, ये शेड आपको लेना है और मैं इसे डेप्थ दूँगी क्रीज में, क्योंकि इनका जो लहंगा कलर था वो रेड कलर में था। सो इस वजह से क्या कर रही हूँ, मैं डिपॉजिट कर रही हूँ क्रीज पे और आउटर कॉर्नर पे, मुझे थोड़ा डेप्थ देना था इसलिए। और ये आई शेडो पैलेट बहुत बहुत पिगमेंटेड है गाइज, थोड़ा भी कलर दोगी ना तो ज़्यादा पिगमेंटेड लगने लगता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, इसके बाद एक क्लीन ब्रश लीजिएगा और अच्छे से सारे कलर को ब्लेंड करना है आपको। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लेके ब्लेंड किया कीजिए, अच्छे से ब्लेंडिंग कीजिए। और हाँ, ध्यान रखें क्रीज से बहुत ऊपर नहीं जाना, ब्लेंड करोगे ना वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। क्लीन ब्रश है ये, एक क्लीन ब्रश की मदद से ही डार्क कलर को ब्लेंडिंग किया कीजिए, ताकि कोई भी हार्श लाइन ऐसे दिखाई ना दे। सो जी, आप देख लो मैं कितना ब्लेंड करती हूँ, ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम लेके ब्लेंडिंग कीजिए। सो उसके बाद ले रही हूँ एकदम डार्क कलर जो आपको दिख रहा होगा, इसे मैं क्रीज पे दे रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ नॉर्मली। बहुत हल्का मैंने ये शेड लिया था और ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आउटर मतलब क्रीज आपका जितना डेप्थ में दिखाई देगा ना, उतना ही अच्छा लगता है। और मैंने ना इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग किया, इनकी ड्रेस में
रेड कलर थे हल्का, इस वजह से। सो आप भी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये परफेक्ट एंगेजमेंट मेकअप के लिए गाइस, ये मेकअप शायद आपको पसंद आया हो तो फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कर लीजिएगा और मुझे टैग कर सकते हैं। अगर आप मेरी कोई भी मेकअप लुक को क्रिएट करते हो तो प्लीज़ टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो डन। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सेम FS28 सेड को जो हमने आईलिड पे अप्लाई किया था, और मैं फुल कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। सो ध्यान से देखिए किस तरह से कर रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से करना है आपको तो आराम से आप कर लोगे। दूसरों पे मेकअप करना तो मुझे लगता है ज़्यादा इजी होता है गाइस खुद पे मेकअप करने से, और जैसे आप ब्यूटिशियन होंगे ना तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट दूसरे पे ही लगता होगा। हमारे एरिया में होता क्या है, मैं गाइस आपको बताती हूँ, मेरी एरिया में बिल्कुल भी वीडियो बनाने का अलाउ मुझे नहीं मिलता है। मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई है गाइस, मैं कभी ना कभी आप लोग से ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। हमारे एरिया में ना नहीं आना चाहता कोई कैमरा पे, और यूट्यूब को कोई जानता भी नहीं है। सो मुझे बहुत बोलना पड़ता है, मुझे पूछना पड़ता है, और रियल ब्राइडल पे तो मैं बता ही नहीं पाती हूँ क्योंकि वो मुझे अलाउ ही नहीं करते, तो एक्स्ट्रा मुझे बुलाना पड़ता है। जैसे मैंने इनको बुलाया देन मेकअप किया, सो मुझे आप समझ रहे हो मेरा कितना, मैं कितना एफर्ट डाल रही हूँ। सो गाइस बात तो हो गया, अब मैं ले रही हूँ ये दोनों शेड को, मरून और ये वाला डार्क शेड को। सो आपको ये दोनों शेड को ले लेना है और अपनी जो आउटर कॉर्नर होता है जहाँ आपने कंसीलर को अप्लाई किया है, आपको लाइन दिख रहा होगा कंसीलर के साइड में, तो यह ब्लेंड करना है इस तरह से। और मैंने कंसीलर को सेट कर दिया था सेम उसी बनाना पाउडर के हेल्प से, वो मैं बोलना भूल गई जो मैं तभी, मतलब होता है ना बोलते बोलते कभी किसी और ट्रैक पे चली जाती हूँ। सो ब्लेंड कर लीजिएगा इस तरह से ताकि कोई एजेस दिखाई ना दे। देन अब ले रही हूँ ये वाला शेड, इसमें लिखा हुआ डस्ट, मतलब ब्रश से कवर हो चुका है, मून डस्ट, यस ये वाला शेड एंड ये वाला शेड, ये दोनों शेड ले रही हूँ मैं और इसे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। सो गाइज ये ना बहुत अच्छा आपके फिंगर से पिक होता है, कोई भी शैटन फिनिश शिमरी शेड ना फिंगर से ज़्यादा अच्छे से पिक होता है, तो मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। सो इसके बाद मैंने ग्लिटर ले रही हूँ मेकअप रिलेशन के, मैंने पिंक शेड को लिया है और सेंटर पे मैं सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ। मैं ना बस सेंटर पे अप्लाई इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा सा इनके दुपट्टे में पिंक टोन था सो इस वजह से। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग करोगे, मैंने बोला नीचे वाला इस इनका जो था लहंगा वो रेड में था और दुपट्टा हल्का पिंक रेड में था, सो इसीलिए मैंने क्रीज पे भी मरून रेड कलर को दिया है। सो आप सेंटर पे थोड़ा ग्लिटर दे दोगे ना तो बहुत अच्छा लुक लगने लगता है। सो कुछ अपना भी दिमाग लगाओगे ना गाइस आप आई मेकअप करते वक्त, तो आप आराम से सीख लोगे कर लोगे। उसके बाद फिर से ये दोनों शेड को लिया है मैंने और हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। मैं ब्लेंड इसलिए करती हूँ लास्ट में ताकि कोई भी हार्श लाइन एजेस दिखाई ना दे। और आई नो वीडियो लंबी है क्योंकि मुझे आप लोग को फुल ट्यूटोरियल दिखाना था। अब मैं NYB की लाइनर ले रही हूँ और एक पतला सा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि इनकी आईज छोटी है बहुत ज़्यादा, तो जब भी हुडीज और छोटी आईज पे मेकअप करती है तो आईलाइनर पतला अप्लाई करे ताकि जब वो ओपन करे आईज को तो उनकी आईज दबी ना लगे। सो ये सब कुछ टिप्स हैं आपके लिए, आप बिगिनर्स हैं सो इसी तरह से मेकअप किया जाता है। आपको अब क्लाइंट के फेस को और खूबसूरत बनाना होता है मेकअप के बाद, सो ये सब कुछ टिप्स है। छोटी आईज पे मोटा आईलाइनर नहीं अप्लाई किया जाता है। देन जो भी फॉल आउट हुआ था उसे रिमूव कर रही हूँ मैं, थोड़ा टोनर मैंने लिया था। अब ये ओडी फ्लेम की प्राइमर है, ये मुझे प्राइमर कम और इल्यूमिनेटर ज़्यादा लगता है। सो ये मेरा 7 मंथ बाद एक्सपायर भी हो जाएगा, सो मैं इसे अब जल्द ख़त्म करूँगी। और प्लस ये शायद मार्केट में आना ही बंद हो चुका है क्योंकि मैंने ना लिंक देने के लिए सर्च किया इसे तो मुझे ये नहीं मिल रहा है, बट मैंने इसे एक साल पहले परचेज़ किया था गाइस। ये बहुत अच्छा लिक्विड इल्यूमिनेटर की तरह वर्क करता है। सो पहले मैंने हैंड से ब्लेंड किया, देन मैं पैक की 265 ब्रश ले रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। सो आप कोई भी लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेबलिन की, स्विस ब्यूटी की, मैक की स्ट्रॉप क्रीम भी, देन लैक्मे एब्सोल्यूट की परफेक्ट ब्लर प्राइमर ले रही हूँ और फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। सो प्राइमर अप्लाई करने के 5 मिनट्स के बाद ही फाउंडेशन या कंसीलर को यूज़ किया जाता है। सो कलर करेक्ट से पहले ही यूज़ कीजिएगा आप प्राइमर को।
सो मैं इसी भी ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ, और ये एक टिंटेड प्राइमर थोड़ा सा कलर देता है। देन एफ मतलब 303 से ले रही हूँ क्रेलॉन की पैलेट से, ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज करेक्टर की तरह वर्क करता है। सो आपको जहाँ भी पिम्पल्स है, जैसे इन्हें पिम्पल्स के मार्क्स है चिक्स पे, आप देख भी सकते हो, फोरहेड पे भी है। सो इसे कवर हम कैसे करते हैं, इसे हम कवर करेंगे ऑरेंज करेक्टर की हेल्प से। अगर इन्हें रेड पिम्पल्स होता है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं ग्रीन करेक्टर का यूज़ करती, और इस तरह से अंडर आई के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। आप जब भी ब्राइडल की मेकअप करें, इंगेजमेंट मेकअप हो या ब्राइडल मेकअप हो या रिसेप्शन मेकअप हो, हैवी जब मेकअप करते हैं या बेस देते हैं, पहले कलर करेक्ट करोगे। ध्यान से सुनिए, ग्रीन कलर करेक्ट का यूज़ किया जाता है जब हमें बहुत ज़्यादा वो होती है, रेड पिम्पल्स के मार्क्स होते हैं और ब्लैक स्पॉट रहते हैं, तो हम ऑरेंज का यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हो ऑरेंज अंडरटोन में है। सो माउथ के पास भी अप्लाई करना है, क्योंकि वह हाइपर पिगमेंटेशन होता है, और अंडर आई के नीचे भी, और जहाँ आपको पिम्पल्स के मार्क्स है। तो मेरी क्लाइंट को थे, यानी मेरे मॉडल को थे चिक्स पे, सो इस वजह से। और अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पैक की ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करेगा। और ये सुप्रा पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ, ये क्रीमी होता है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। ऐसे तो इनकी स्किन ऑयली है, बट मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डर्मा से आपको दिखाया था मेकअप। सो आप सुप्रा का भी यूज़ कर सकते हो, अभी सितंबर जैसे आ चुका है, तो अब सुप्रा भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, तो इसलिए। अब मैं मिलानी की फाउंडेशन ले रही हूँ इन दी से 02 नेचुरल। सो मैं हल्का फाउंडेशन भी यूज़ करूँगी, एकदम लिटिल बिट, बहुत हल्का, और ये फाउंडेशन आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। सो इस वजह से मैं लिटिल बिट अप्लाई कर रही हूँ, एंड देन ब्लेंड कर लूँगी उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। नेक पे अप्लाई करना नहीं भूलिएगा। गाइस, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, मैम हमने तो सुप्रा पैलेट का यूज़ किया है, तो हम फाउंडेशन क्यों यूज़ करेंगे? ये आप पे डिपेंड करता है। सो आप यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर थोड़ा सा फाउंडेशन, ज़्यादा नहीं आपको यूज़ करना है। पहले हमने कलर करेक्ट कर दिया फाउंडेशन, अब देन मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर लाइट शेड का FS28, और एक शेड मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। ये एज ए हाईलाइटिंग कंसीलर वर्क करेगा। बहुत ज़्यादा लाइट शेड का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इनके स्किन टोन से मिलता हुआ बस हल्का लाइट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ फोटो में फ्लैशबैक नजर आए। सो इस तरह से आप बेस क्रिएट कीजिएगा ना, आपका बेस बहुत बहुत अच्छा लगेगा। इज ट्रस्ट मी, एक बार जरूर ये बेस को ट्राई कीजिएगा। देन ले रही हूँ NG1 शेड, जो कि एक कॉन्टोर शेड है, और इससे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। देखिए ध्यान से किस तरह से, हॉलो ऑफ द चिक्स इसे हम बोलते हैं, ध्यान से देखिए इस तरह से। ये क्रीमी होता है सुप्रा, सो इसे हम सेट भी आगे करेंगे, इस तरह से नोज़ पे किया जाता है। सो हमेशा ध्यान रखें, कॉन्टोरिंग एंड हाइलाइटिंग दोनों साथ में हो सकता है, इसलिए मैं दोनों आज आपको साथ में बता रही हूँ। फिर आपको जॉ लाइन पे, ये हमारा जॉ लाइन गाइज, कभी कभी बोलते वक्त ना गाइज गलती हो जाती, फिर भी बहुत लोग खामी ही खाने लगते कमेंट में, मैं देखती हूँ कभी कभी। सो गाइज इतना इजी नहीं होता है, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और कभी कभी होता है आपसे भी शायद मिस्टेक होता होगा। सो गाइज अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेना है। तो पहले लाइट शेड को ब्लेंड कीजिएगा, देन आप ब्लेंड करोगे डार्क शेड को। ऐसा नहीं कि पहले ब्लैक डार्क शेड को ब्लेंड करना है, पहले लाइट देन ब्लैक, और एकदम हल्के हल्के हाथों से ब्लेंडिंग कीजिएगा, ताकि जो कोई भी फाइन लाइंस अगर हो अंडर आई के नीचे अच्छे से ब्लेंड हो जाए। टाइम लेके ब्लेंडिंग कीजिएगा, बस अच्छे से होना चाहिए ब्लेंड। और आप देख सकते हो मैंने एक शेड ही लाइट दिया था, तो इस वजह से भी इनका बेस बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैंने जो आईज पे यूज़ किया था ना शेड, उसी को यूज़ किया था अंडर आई के नीचे एज ए हाइलाइटिंग। अब हम कॉन्टोर को ब्लेंड कर रहे हैं, ध्यान से अपवर्ड मोशन में ब्लेंडिंग करनी है हॉल ऑफ द चिक के पास, और इस तरह से फोरहेड पे करना है, इस तरह से जॉ लाइन पे, और नोज पे भी डाउनवर्ड करना इस तरह से नीचे की ओर। देखिए सो गाइज आपने देखा मैंने कितने अच्छे से ब्लेंड कर लिए। अब चलिए हम सेट करते हैं। मेकअप लोशन की बनाना पाउडर ले रही हूँ,
पूरे अंडर आई को पहले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके सेट कर रही हूँ, क्योंकि सुप्रा पैलेट में यूज़ कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा क्रीमी होता है तो ये बहुत जल्दी क्रीज कर जाएगा इस वजह से। आप मुझसे अगर पूछोगे ना कंपेरिजन डर्मा और सुप्रा में, क्योंकि मैंने दोनों यूज़ किया था, दोनों का दोनों बहुत ही अच्छा है। बस डर्मा पूरा मैट फिनिश देता है आपको और सुप्रा आपको क्रीमी इफेक्ट देता है। अगर आप थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग टाइप का इफेक्ट चाहते हो फेस पे और चाहते हो डोई लगे तो आप सुप्रा ट्राई कर सकते हो। कॉन्टोर के जस्ट नीचे मैं बनाना पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ, इससे आपका जो कॉन्टोरिंग होता है ना गाइज वो प्रॉपर डिफाइन में पता चलता है। और अंडर आई के नीचे भी अप्लाई करूँगी क्योंकि हमें लोअर लैश लाइन को फिनिश करना है। जो भी हम लोअर लैश लाइन को फिनिश करेंगे तो कोई भी फॉल आउट हमारे फेस पे ना हो, इस वजह से आप छोड़ दोगे लूज पाउडर को। पिंक शेड ले रही हूँ ये दोनों शेड पहले, एंड देन लोअर लैश लाइन पे एक स्मॉल एंगल ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा डार्क कलर को लूँगी, मरून कलर को, एंड देन उसे भी अप्लाई करूँगी। गाइस अब मैंने थोड़ा सा डार्क कलर को लिया है और मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ अंडर आई के नीचे। और इनकी आईज़ छोटी है जैसे कि मैंने आपको कहा, तो इनकी आईज़ के नीचे ना आप वाइट काजल का यूज़ करोगे। ध्यान रखिए जिनकी आईज़ छोटी होती है दबी हुई होती है ना, वाइट काजल इन्हेंस करता है। पहले मैं मस्करा का यूज़ कर रही हूँ, मेवलिन के हाइपर कर्ल मस्करा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मस्करा है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड बहुत अफोर्डेबल है। गुड क्वालिटी मस्करा है क्योंकि बिल्कुल भी आप रो धो लो ना तो भी नहीं जाता है गाइज, बहुत अच्छा मस्करा है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ आप लोग को, तो आई होप ये वाला वीडियो पसंद तो ज़रूर आया होगा। आ गया होगा तो देखिए, आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर लास्ट में कर दीजिएगा। और हाँ, आप मेरी अदर वीडियोस को भी चेक कर सकते हो, मैंने 4 डेज पहले ही डर्मा से बताया था मेकअप ब्राइडल की, आप उसे भी चेक कर सकते हो। अब हम आईब्रो को फिल करेंगे, तो मैं हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट में से ब्राउन एंड ब्लैक शेड को ले रही हूँ और इनका आईब्रो फिल कर रही हूँ क्योंकि इनकी आईब्रो ज़्यादा डार्क नहीं है। एकदम नॉर्मल हल्के स्ट्रोक में आईब्रो सेट करना है आपको। पाउडर है ये, एक तरीका से आई शेडो होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। और जिस शेप में इनकी आईब्रो मैं उसी शेप में कर रही हूँ एक एंगल ब्रश की मदद से। आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हो। आईब्रो को सेट करने के बाद मैं क्या करूँगी, मस्करा जो मैंने आईज़ पे अप्लाई किया था ना उससे ही सेट कर लूँगी ब्राउज़ को। कंप्लीट। अब हम वाइट काजल यूज़ कर रहे हैं, मैं वाइट एंड वाइल्ड की वाइट काजल का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। देखा आपने, लोअर लैश लाइन फिनिश हो चुका है, आईब्रो फिनिश हो चुका है। अब जो भी एक्सेसिव हमने बनाना पाउडर को रखा था फेस पे हम उसे रिमूव करेंगे। मेकअप लोशन की बनाना पाउडर बहुत अच्छी होती गाइस, आप ट्राई कर सकते हो। देन मेवलिन की फिट में कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और हल्का फुल्का सेट कर रही हूँ गले पे, ईयर के पास, हर जगह। देन फेशियस कनाडा की ट्रायो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैं ये ब्राउजिंग शेड पिक कर रही हूँ और कॉन्टोर को सेट कर रही हूँ। कॉन्टोर हमारा डार्क शेड भी था, हम सेट भी उसे डार्क कलर के पाउडर से ही करते हैं। जिस तरह से फाउंडेशन को हम जैसे लाइट फाउंडेशन यूज़ करते तो उसी शेड का हम कॉम्पैक्ट यूज़ करते, उसी तरह से कॉन्टोर को सेट करने के लिए उसी के कलर की हम ब्रॉन्जिंग यूज़ करते हैं। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहता है ये सारा कुछ। एंड नोज पे हल्का हल्का कर रही हूँ। आप देख भी सकते हो कॉन्टोरिंग अच्छी हुई, इनके फेस ऑलरेडी छोटी थी बट कॉन्टोरिंग करने के बाद फीचर्स और इन्हेंस लग रहे हैं। देन इसी पैलेट की मदद से ब्लश भी अप्लाई करूँगी। उससे पहले मैं हल्का ब्लेंड कर रही हूँ कॉन्टोर को ताकि कोई हार्श लाइन दिखाई ना दे। बिगनर्स के लिए मेकअप बता रही हूँ, इस वजह से मैं इजी स्टेप्स दिखाती हूँ आप लोगों को। देन ब्लश यूज़ कर रही हूँ जो इसी पैलेट में से है, बहुत अच्छा मुझे ये पैलेट लगता है गाइस, आप एक बार जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। ये शेड है फ्रेश,
मेक श्योर आप बिगनर्स है तो ये वाला पहले ट्राई कर सकते हो। देन मैं की ही सेटिंग स्प्रे की मदद से पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। इसके बाद हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे तो हमारा हाइलाइटर पॉप आउट भी बहुत अच्छे से होता है। सो टिप्स है ये, थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद हाइलाइटर को यूज़ कीजिएगा। यही हाइलाइटर को यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा की ट्रायो पैलेट में से, गोल्डन शेड है ये, ऑल स्किन टाइप्स पे सूट करेगा। पर्सनली ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन को बहुत सूट करेगा। सो इस तरह से आपको अप्लाई करना है ब्लश के जस्ट अबव अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे, लिप्स के ऊपर, आपको फोरहेड्स पे, नोज पे, आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हो। मैं थोड़ा मोटा ब्रश यहाँ ले रही हूँ, इस ब्रश से मुझे ज़्यादा इजी लगता है। नोज पे करने के बाद मैं इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को भी फिंगर की ही मदद से कर लूँगी हाईलाइट। सो देखिए आप, सो मेरे मेकअप्स को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी स्टेप्स बताती हूँ गाइज। उसके बाद नायका के लैसेस यूज़ कर रही हूँ और मैं ग्लू के लिए यूज़ कर रही हूँ पैक की आईलेस ग्लू का। सो बहुत अच्छा है पैक का ग्लू, आप ट्राई कीजिए, 400 रुपीज़ की है बट बहुत अच्छी है। ये वेट एंड वाइल्ड की लिप लाइनर है जो कि रेड चेरी शेड है आई थिंक। सो पहले तो मैं लिप लाइनर अप्लाई करी थी तो विदाउट लिप लाइनर भी मैं लिपस्टिक परफेक्ट अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गया है। बट बिगनर्स हैं ना आप, तो आप एक काम कीजिएगा, पहले लिप लाइनर अप्लाई कीजिएगा देन आप लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक इन दी शेड आई थिंक रेड कलर है ये, मुझे शेड याद नहीं है इसका। मैं होगा तो लिंक किसी कुछ कुछ प्रोडक्ट के दे दूँगी जो मुझे मिलेगा ऑनलाइन। सो ये रहा इनका कंप्लीट फाइनल लुक। मैंने लिपस्टिक ब्रश से अप्लाई किया, आप भी ब्रश से ही अप्लाई करें ताकि हाइजीन भी रहता है और प्रोफेशनल भी लगता है क्योंकि एक ही लिपस्टिक को आप यूज़ नहीं कर सकते हो हर क्लाइंट पे। सो यही एक कंप्लीट फाइनल लुक गाइज। मैंने हेयर स्टाइल भी इनका बना दिया है, ज्वेलरी इन्हें वेयर करवा दिया और इन्होंने वो सिंपल लहंगा पहना था क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये मेरी रियल ब्राइडल नहीं है, ये फिर होता है रियल ब्राइडल की जैसे एंगेजमेंट रहती तो वो थोड़ा हैवी पहनते हैं। सो जो भी मेरे पास था मैंने जुगाड़ करके कर लिया। सो ज़रूर बताइएगा आपको मेरा एफर्ट, मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।